So welcome back again guys, this video and this is a day to day 6 video, Hindi English sentences used in daily conversation. So ये आपकी daily conversation की video है कि आप कैसे कैसे words sentences हम daily day में बोलते हैं. So these are the common sentences that we use in our daily conversations. Please read, okay, then again and again try to understand this thing. ओके सो ये सामान्य वाक्य होते हैं जिनका उपयोग हम अपनी दैनिक बातचीत में करते हैं और हम इनको समझ के सुन के पढ़ के इनको यूज़ कर सकते हैं. सो मैं 3 बजे जयपुर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू जयपुर एट 3 o'clock. आई एम गोइंग टू, ओके, जा रहा हूँ मैं 3 बजे जयपुर जा रहा हूँ. आई एम गोइंग टू जयपुर एट 3 o'clock. यहीं पर आप दूसरा सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कि मैं 2 बजे राजस्थान जा रहा हूँ. सो आई एम गोइंग टू राजस्थान एट 2 o'clock. तो इस टाइप से आप मैनी सेंटेंसेस बना सकते हैं. ओके सो नेक्स्ट, क्या तुम भी जयपुर जा रहे हो? आर यू ऑल्सो गोइंग टू जयपुर? वह USA जाने का प्रयास कर रहा है. प्रयास क्या होता है? ट्राइंग. सो ही इज़ ट्राइंग टू गो टू द USA. USA, ओके, ही इज़ ट्राइंग टू गो टू द USA. यहाँ पे हम दा बोलेंगे, दी नहीं बोलेंगे, क्योंकि यू हमारा यहाँ पे या हो रहा है वाई से. सो वाई तो अवल नहीं होता है, ठीक है. साउंड हमें आ ई आई ओ यू की जो है साउंड होती है वो हमें यहाँ पे देखना होता है. इसके अकॉर्डिंग हम दा एंड दी बोलते हैं. सो मेरी पीठ में दर्द हो रहा है. माई बैक इज़ इचिंग. सो दर्द होना, इचिंग, बैक, पीठ, उसका पूरा शरीर दुख रहा है. हिज फुल बॉडी इज़ इचिंग. तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे लग रहे हैं. योर हैंड्स आर फीलिंग वेरी कोल्ड. है ना, मेरी घड़ी पीछे जा रही है. माई वॉच इज़ लूजिंग टाइम, इज़न्ट इट? पानी टपक रहा है. वाटर इज़ लीकिंग. मरीज की हालत सुधर रही है. द पेशेंट इज़ इम्प्रूविंग. मैं तुमसे बात कर रहा हूँ. आई एम स्पीकिंग और आई एम टॉकिंग टू यू. ओके, आई एम स्पीकिंग टू यू और आई एम टॉकिंग टू यू. दोनों से आप कुछ भी बोल सकते हैं. तुम अच्छी तरह बर्ताव नहीं कर रहे हो. यू आर नॉट बिहेविंग प्रॉपरली. नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, मेरे पिता हृदय से बातें कर रहे हैं. कोई भी नेम ले सकते हो आप. सो माई फादर इज चैटिंग विद हृदय. वह बुखार से पीड़ित है. सी सफरिंग फ्रॉम फीवर. उसकी स्थिति खराब हो रही है. हर कंडीशन इज वर्सनिंग. ओके, वर्सनिंग मीन्स खराब होना. स्थिति मीन्स कंडीशन. वे सब पिक्चर देख रहे हैं. दे ऑल आर वॉचिंग अ मूवी. जब हम वे सब बोलेंगे तो दे ऑल आर वॉचिंग अ मूवी. मुझे पिक्चर देखना पसंद नहीं है. आई डू नॉट लाइक टू वॉच अ मूवी. यहाँ पे आप कॉन्ट्रास्ट कर सकते हो. डू नॉट को शॉर्ट फॉर्म लगा सकते हो. डोंट, आई डोंट लाइक टू वॉच अ मूवी. पिक्चर समय बर्बाद करती है. पिक्चर वेस्ट टाइम, बर्बाद करती है. प्रेजेंट इंडेफिनिट आ गया. पिक्चर वेस्ट टाइम, वेस्ट. ओके, नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होता. नो, ऑलवेज इट इज़ नॉट लाइक दैट. वे सब इंग्लिश सीखने के लिए इंग्लिश पिक्चर देख रहे हैं. दे ऑल आर वॉचिंग एन इंग्लिश मूवी टू लर्न इंग्लिश. वह कतार में खड़ा है. स्टैंडिंग इन द क्यू. वह खिड़की खुलने का इंतजार कर रहा है. ही इज़ वेटिंग फॉर द विंडो टू ओपन. क्या कर्मचारी टाइम पर आ रहा है? इज द एम्प्लॉय कमिंग ऑन टाइम. नेक्स्ट सेंटेंस, मैं नहीं जानता हूँ. आई डू नॉट नो. एंड कॉन्ट्रास्ट, आई डोंट नो. लगता है कोई खिड़की खोल रहा है. इट सीम्स समवन इज़ ओपनिंग द विंडो. मुझे अंदाजा है वह कर्मचारी नहीं है. आई गेस ही इज़ नॉट द एम्प्लॉय. मेरे दोस्त का भाई उस कर्मचारी का बॉस है. ब्रदर ऑफ माई फ्रेंड इज़ द बॉस ऑफ द एम्प्लॉय. आज वह भी लेट है. टुडे ही इज़ ऑल्सो लेट. आजकल कर्मचारी काम चोरी करते हैं. नावडेज, आजकल मीन्स नावडेज, एम्प्लॉयज शर्क फ्रॉम वर्क. शर्क मीन्स काम चोरी करना. शर्क फ्रॉम वर्क. तुम एकदम ठीक हो. यू आर एब्सोल्यूटली राइट. तुम एकदम ठीक बोलते हो. यू स्पीक एब्सोल्यूटली करेक्ट. परिस्थितियाँ तेजी से बदल रही हैं. सिचुएशंस आर चेंजिंग फास्ट. हम समय के साथ नहीं चल पा रहे हैं. वी आर नॉट गोइंग अलॉन्ग विद द टाइम. क्या ये बैग आपका? इज दिस योर बैग? ओ यस, यह है मेरा ही बैग. यस, दिस बैग इज माइन ओनली. आप इसको एक तरफ रखो. प्लीज़ कीप इट असाइड. यह है मेरे पैरों में लग रहा है. इट इज़ हिटिंग माई लेग. हिटिंग मीन्स लगना, चोट लगना, हिटिंग. यह बहती नदी है. दिस इज़ अ फ्लोइंग रिवर. मेरे बेटे को नदी किनारे बैठना बहुत अच्छा लगता है.
माई सन लाइक्स वेरी मच टू सिट ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे को कहते हैं बैंक ऑफ द रिवर. ओके, अमावस्या के दिन लोग पवित्र नदी में डुबकी लगाते हैं. पीपल डिप इन द होली रिवर, जो पवित्र होता है उसे कहते हैं होली. नदी मीन्स रिवर ऑन अमावस्या. ओके, डिप मीन्स लगाना. सो पीपल डिप इन द होली रिवर ऑन द अमावस्या. मिस्टर गोपाल कृष्ण नवरत्न PSU के जनरल मैनेजर हैं. मिस्टर गोपाल कृष्ण इज द जनरल मैनेजर ऑफ नवरत्न PSU. सो उनमें अच्छी प्रशासनिक खूबियाँ, ही हैज गॉट गुड एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मतलब अच्छी खूबियाँ होना, खूबियाँ मीन स्किल्स होता है. प्रशासनिक मीन्स जो मतलब हम जिस प्रशासनिक से बोलते हैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव. ओके, उनमें और भी दूसरी कई खूबियाँ, ही हैज मैनी अदर क्वालिटीज ऑल्सो. भारत अपनी स्थिति दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है. इंडिया इज इम्प्रूविंग इट्स पोजिशन डे बाई डे, दिन प्रतिदिन बोलते हैं डे बाय डे. हम भी दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं. वी आर आल्सो डेवलपिंग डे बाय डे टू इम्प्रूव इंग्लिश. ठीक है, इस टाइप से हम बोल सकते हैं इंग्लिश करने के लिए हम दिन प्रतिदिन विकास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं. सो वी आर आल्सो डेवलपिंग डे बाय डे. ओके, सो गाइस दिस इज डे टू डे 7 वीडियो एंड दिस वीडियो वी विल डिस्क्राइब इन नेक्स्ट वीडियो. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द लाइक बटन एंड thank you for watching this video guys. Thank you.